अच्छा, लास्ट हमने जो ये ई कॉमर्स की जो क्रेड एप्लीकेशन शुरू की थी उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रह गई थी लास्ट में, तो मैं ज़रा सा पहले रिवाइज़ कर देता हूँ कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पास ये फोल्डर 11 के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर रूट पे ये सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल पड़ी हुई है जो हमारी मेन सर्वर फाइल है। पैकेज डॉट जेसन है हमारा, ठीक है, उसमें सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है हमारी कि भाई एन पी एम स्टार्ट से क्या होगा, एन पी एम रन डेव से क्या होगा, ठीक है। नॉट बॉर्न हमने लगाया हुआ है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ताकि हमें खुद से बार बार उसको रोकना ना पड़े आपको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिपेंडेंसी में बिक्रिप्ट एक लगा हुआ है। बिक्रिप्ट हम क्या करते हैं, पासवर्ड को हैश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकीज़ को एक्सेस करने के लिए कुकी पार्सर है, कॉर्स है क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेस है हमारा जो मेन फ्रेमवर्क जिसके ऊपर हम एक्स सर्वर लिख रहे हैं। जेसन वेब टोकन है जो हम लॉग इन होने पर जेसन का वेब टोकन जे डब्ल्यू टी इशू करते हैं, तो वो इस लाइब्रेरी के ज़रिए करते हैं। मोंगोस हमारा डेटाबेस के लिए है। अच्छा, उसके अलावा नैनो आईडी है, रैंडम आईडी जनरेट करने के लिए नैनो आईडी की लाइब्रेरी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन शायद इसको अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको हमने हटा दिया था। तो वेल, अभी इसको देखेंगे, यहाँ पे अगर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, नैनो आईडी इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी यहाँ पे, सही है, तो इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। नैनो आईडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, ठीक है। शुरू में हमने लगाया था जब तक हमने वो नहीं किया था, तो हम ये इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब हम सर्वर में ज़रा देख लेते हैं अभी तक हमने क्या कुछ सर्वर में कर लिया है। अच्छा, इसको ज़रा सा मैं छोटा कर दूं ताकि सर्वर की फ़ाइल अच्छे से देख पाएँ हम। ऊपर हमने तमाम लाइब्रेरीज़ को जो जो हमें रिक्वायर्ड है सबको हमने ऊपर रिक्वायर किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, कॉर्स है, एक्सप्रेस है, मोंगोस है, ठीक है, बिक्रिप्ट है, जे डब्ल्यू टी है, कुकी पार्सर है, ये तमाम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने क्या कर लिया, सर्वर का एक सीक्रेट यहाँ पे मैंने सेट करवा दिया कि जो भी मेरा क्या कहते हैं जो जे डब्ल्यू टी इशू होगा वो इस सीक्रेट के साथ इशू होगा। सीक्रेट का एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा पूरी ऐप के अंदर मेरे, सही है, जो शुरू में सेट होगा वही रहेगा। अच्छा, और इसको मैंने प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट करके लिखा है, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल से जाके ये सीक्रेट को वो उठा के ले आएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में सीक्रेट के नाम से एक चीज़ होगी। सर, और यहाँ पर अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल नहीं बनेगी अलग से, जैसे वो करते हैं डॉट ईएनवी की फाइल अलग से नहीं जी बनेगी? डॉट ई एन वी की फाइल भी बनाते हैं, लेकिन असल में इसका तरीका ये है कि सर्वर पे ना आपके साइक्लिक पे मैं जाके आपको ये दिखा देता हूँ, ये आज से पहले हमारा ये कवर नहीं हुआ कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट होते हैं ना, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ किधर जाके सेट करना होता है। ये मैंने साइक्लिक पे साइन इन कर लिया। अच्छा, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं ना सब पे होता है ये, सही है, चाहे वो हरिको हो, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो गूगल ऐप इंजन हो, ये सब में अंदर एक जगह पे ना आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन लाजमी नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी इमेजिन कर लें कि ये मेरा जो सर्वर है ये साइक्लिक पे आके डिप्लॉय होने वाला है, ठीक है। तो साइक्लिक पे जब ये ढूंढेगा ना, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल जब ये ढूंढेगा सीक्रेट के नाम से, तो इसको वो कहाँ से मैं दूंगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास तीन चार जो एप्स बनी हुई हैं, कौन सा वाला है हमारा, मेरे ख्याल है ये है हेलो वर्ल्ड सर्वर है ना, ठीक है। सारी ऐप के अंदर ऑप्शन अंदर एक ही होता है, ये देख रहे हैं आप इन्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, एक इन्वायरमेंट्स में मैं चला जाता हूँ। और यार ये स्लो क्यों हो रहा है इतना, एनवायरमेंट्स में नहीं है वो, वेरिएबल्स में, सही है। अच्छा, वेरिएबल्स में क्या होता है, आप यहाँ पे लिखते हैं एक अदद की, मेरी की है सीक्रेट, और सीक्रेट में मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, राइट, और ऐड वेरिएबल का बटन दबा दिया और सेव कर दिया, दैट्स इट। अब ये चीज़ ना उसको एनवायरमेंट वेरिएबल में मिलेगी, सीक्रेट के अगेंस्ट ये 1 2 3 4 5 मिलेगा। अच्छा, और क्या था हमारे पास, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम ईएनवी में रखते हैं, ये पोर्ट नंबर रखते हैं ना ईएनवी में। अच्छा, पोर्ट नंबर तो हम नहीं सेट करते ना, वो खुद करता है सेट, सही है, पोर्ट नंबर तो पहले से उसमें सेट हुआ होता है, हमें नहीं करना होता ये काम पोर्ट नंबर वाला। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखते थे, मोंगो डीबी का यूआरएल था, राइट, मोंगो डीबी का यूआरएल था ना हमारा जो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखा करते थे, सही है, ये मोंगो यूआरआई के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, ये मोंगो यूआरआई जो मेरी होगी ना वो मेरे गिटहब में मैं पुश नहीं करूँगा,
वो मैं इधर आके रखूँगा। मैंने कहा मोंगो यूआरआई और उसके अगेंस्ट मैं कोई भी यूआरएल रख दूँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल सेम यूआरएल रख रहा हूँ, जो यहाँ वाला है वही रख रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि ये पासवर्ड है ना, देखिए ये तो एक्सपोज हो जाएगा पासवर्ड आपका, ABC जो मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है ये तो गिटहब में पुश कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल आज इस क्लास के दौरान। लेकिन सर इधर से मेरा ऐड कर देंगे। हाँ बस इधर से ये आपने ऐड किया और आपने ये सेव का बटन दबा दिया, सही है। तो अब ये यहाँ आके ढूंढेगा उसको, इधर से उसको मिलेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने क्या कर दिए, मैंने उधर अंदर रखवा दिए। और इसको भी मैं कट करके ना टॉप पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये तरीका होता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सारे ना एक जगह पे रखे जाते हैं, सही है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक जगह पे ही रख दिया ऊपर टॉप पे ना, ये तीनों आ गए एनवायरनमेंट वेरिएबल वाले जो सारे हैं ना उस टॉप पे आ गए, सही है। तो ये तीनों मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख दिया। अब जब सर्वर पे जाएगा ना तो ये टॉप सीक्रेट नहीं मिलेगा उसको, वो इसके अंदर से वो निकाल के खुद ही पकड़ लेगा उसको। अच्छा फिर उसके बाद हमने एक्सप्रेस की ऐप बना दी, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये बॉडी को पार्स कर रहा है, ये कुकी को पार्स कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये क्रॉस ऑरिजिन को हैंडल करने के लिए हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। अच्छा पहले तो हम जस्ट ऐसे कोर्स करके लगा देते थे ना, ऐसे करके लगा देते थे, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से किया है, हमने कहा भाई ओरिजिन जो होगा ना आपको जो कॉल आएगी वो आएगी लोकल होस्ट 3000 से आएगी, ठीक है। और लोकल होस्ट 3000 के अलावा स्टैटिक भी मैंने लगा दिया कि अगर कहीं और से भी आया ना तो आपने मना नहीं करना उसको, सही है, उसको आने देना है। और क्रेडेंशियल्स भी वो लेकर आया ना साथ में तो वो भी उसको लाने देना है, क्रेडेंशियल्स मतलब कुकीज़ की बात हो रही है। अच्छा उसके अलावा हमने जो है स्कीमा बना लिया था, यूज़र हमारा जो साइन अप होगा उसका ये स्कीमा है, ठीक है, हमारे डेटाबेस का जो स्कीमा होगा ये एक एक स्कीमा ये हो गया। अच्छा दूसरा हमारा स्कीमा था प्रोडक्ट का स्कीमा, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं ये उसका स्कीमा है, ठीक है जी। ये दो हमारे स्कीमा हो गए। अच्छा आम तौर पे हम क्या करते हैं, इस स्कीमा को ना इस फाइल में नहीं रखते हम, क्योंकि फ़ाइल हमारी ऑलरेडी लंबी हो रही है ना, तो इसको हम अलग फाइल में रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो चीज़ हम नहीं देखते, इसको फ़िलहाल अभी हम इसी फाइल में रखते हैं। अच्छा फिर हमारी लॉगिन की API है, लॉगिन की API हमारी बहुत ही सिंपल है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, ईमेल और पासवर्ड। अगर वो ईमेल पासवर्ड नहीं मिलता है तो हम कहते हैं भाई बैड रिक्वेस्ट है 400, आप वापस जाओ और इस तरह की रिक्वेस्ट आप लेकर आओ। अच्छा अगर ये दोनों चीज़ें मुझे सही मिल जाती हैं, ईमेल पासवर्ड, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइंड वन करता हूँ मेरे डेटाबेस में, मैं कहता हूँ इस ईमेल से कोई बंदा है तो उसको उठा के लाओ, सही है। और मैंने कहा कि उसका क्या क्या उठा के लाओ, आप ईमेल उठा के लाओ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और पासवर्ड, ये चीज़ें उठा के लाओ उसकी, आप सारा नहीं ला लेकर आओ, जो मुझे चाहिए वो लेकर आओ सिर्फ, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है भाई अगर ये मिल जाता है नॉट एरर तो क्या करो, कंसोल करो और उसके बाद क्या करो, इसको चेक करो कि अगर यूज़र है तो क्या करो, इसका डेटा नहीं होना चाहिए नाम, इसका नाम होना चाहिए यूज़र, है ना, क्योंकि जो चीज़ डेटाबेस से उठ के आ रही है फाइंड वन में वो यूज़र उठ के आ रहा है ना, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, सही है, ये यूज़र उठ कर आ रहा है, ये जो मैंने डेटाबेस में लगाया ना फाइंड वन, ये यूज़र मेरा उठ कर आ रहा है डेटाबेस से, तो ठीक हो गया जी। हमने कहा भाई इफ़ यूज़र मौजूद है, अगर मिल चुका है यूज़र तो वेरीफाई करो हैश उसका, यानी उसका पासवर्ड मैच किया, मैंने ओरिजिनल पासवर्ड दिया साथ में हैश जो वहाँ से आया था वो मैंने दिया, और अगर ये मैच हो जाता है, ट्रू हो जाता है अगर, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक JWT का टोकन साइन किया, ठीक है। JWT का टोकन मैंने किससे साइन किया, मैंने सीक्रेट से साइन किया, जो मेरे पास है सर मुझे पता है उससे साइन किया मैंने। इसके अंदर मैंने इसका ईमेल आईडी लिख दिया, इसके अंदर मैंने यूज़र की आईडी, ईमेल आईडी, इशू कब हुआ है ये और एक्सपायर कब होगा ये टोकन, ये सारी बातें लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये टोकन मैंने जो साइन किया था ये वाला, इसको मैंने कहाँ रखवा दिया, इसको मैंने रखवा दिया कुकीज़ में, और उसकी टाइमिंग सेट कर दी कि कुकीज़ को कितनी देर में एक्सपायर कर देना है, ठीक है। ये कुकीज़ की टाइमिंग सेट है, ये सेकंड्स में इतनी टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कुकीज़ गायब हो जाएगी ब्राउज़र में से ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने HTTP ओनली को ट्रू करवा दिया। कुकीज़ दो तरह की होती हैं, याद रखिएगा, एक होती है HTTP कुकी और एक होती है नॉर्मल कुकीज़ ना, बगैर HTTPS वाली, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगाया, HTTPS ओनली कुकीज आर द मोस्ट सिक्योर, सही है। ये जो HTTPS ओनली कुकी है ना ये मोस्ट सिक्योर है, ठीक है। इसको आप खुद भी एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस कुकी को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये जो क्रॉस साइट अटैक्स होते हैं ना उससे ये महफूज रहता है।
और जितने भी इस वक्त गूगल अमेज़ॉन वगैरह जितने भी हैं वो सब यही यूज़ करते हैं अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए ना, कुकीज़ HTTPS ओनली कुकीज़ यूज़ करते हैं। पहले लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन लोकल स्टोरेज जो वल्नरेबल है वक्त ने साबित किया, तो अब वो यूज़ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करके ना मैंने कुकीज़ में रखवा दिया। मैंने कहा चलो भाई अब वापस जाओ, रिस्पॉन्स दे के उसको मैंने भेज दिया। ठीक है, अच्छा आप नोट करें, रिस्पॉन्स के अंदर वो टोकन नहीं है, टोकन कुकीज़ के अंदर है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक जाके ब्राउज़र के कुकी स्टोरेज में वो सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई लॉगआउट है, लॉगआउट की सूरत में क्या करना है। मैंने कहा भाई कुकी को करवा दो ज़ीरो, ठीक है, और लॉगआउट सक्सेसफुल कर दो। ठीक है, ये दो API हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास, इसको ज़रा मैं कोलैप्स भी करता रहूँ साथ साथ, उसके बाद मेरे पास साइनअप की API, लॉगिन के तो हो गया था, ये साइनअप की API है। ठीक है जी, साइनअप की API में मुझे चार चीज़ें चाहिए होती हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। और ये चार चीज़ें मैं क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ कि कहीं पहले से ये यूज़र मौजूद तो नहीं है। ईमेल से बंदा उठवाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इस ईमेल से कोई मिल जाए अगर पहले से, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने कहा भाई अगर नॉट एरर है और ये डेटा मिल गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अच्छा ये भी डेटा नहीं होगा, ये भी यूज़र होगा ना, क्योंकि जो डेटाबेस से उठ के आ रहा है वो एक्चुअली यूज़र है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई अगर यूज़र मिल गया है तो आप बोलोगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और भगा दोगे आप उसको, सही है। अगर यूज़र नहीं मिलता है, else if user not found, तो फिर इसका मतलब है कि इस नाम से कोई बंदा मौजूद नहीं है पहले से, तो हम इस पर साइनअप करवाएंगे फिर बंदे को। मैंने कहा भाई पहले तो जो बंदे ने पासवर्ड दिया ना उसको आप बना दो, क्या उसको हैश बना दो बिक्रिप्ट के ज़रिए, उसको हैश बना दो। तो ये बिक्रिप्ट के ज़रिए मैंने हैश बना दिया, बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है बिक्रिप्ट -NZ के नाम से जो हमने ऊपर रिक्वायर की थी। अच्छा, उसके बाद ये मुझे हैश मिला। इस हैश को मिलते ही मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, मैंने कहा एक यूज़र क्रिएट करो, फर्स्ट नेम उसका जो ये वाला लगा दो, लास्ट नेम ये लगा दो, ईमेल ये लगा दो। ईमेल को लोअर केस कर दिया मैंने ताकि ईमेल कैपिटल स्मॉल का चक्कर ख़त्म हो जाए बाद में। अच्छा, और पासवर्ड की जगह मैंने हैश रखवाया है, जो मैंने पासवर्ड का हैश कैलकुलेट किया था वो रखवाया है। कभी भी रियल पासवर्ड मैं डेटाबेस में नहीं रखवाता हूँ। और ये करने के बाद मैंने कहा ठीक है जनाब आप साइनअप हो गए हो, यूज़र इज़ क्रिएटेड बोल के मैंने इसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारी साइनअप की API हो चुकी है। अच्छा, साइनअप की API के बाद मैंने कहा कि अब इसके नीचे जितनी API है ना वो तमाम सिक्योर APIs हैं, वो जब तक बंदा लॉगिन नहीं होगा उस API को वो एक्सेस ना कर सके। मैंने कहा ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे मैंने एक बैरियर लगा दिया, एक चेक पॉइंट लगा दिया, एक नाकाबंदी कर दी। इस नाके से आगे सिर्फ वही रिक्वेस्ट जाएगी जो टोकन लेकर आएगी अपने साथ। ठीक है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई आप चेक करो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में क्या किया है, उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाओ। और उसके बाद मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन अगर मौजूद नहीं है नॉट, तो आप डायरेक्ट उसको बोलो कि भाई टोकन आपके पास नहीं है, आप जा सकते हो वापस। और उसको मैंने यहीं से वापस भेजा, मैंने कहा 401 अनऑथेंटिकेटेड। 401 जो होता है स्टेटस कोड, वो होता है अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अच्छा एल्स अगर उसके आगे टोकन उसके पास है अगर, ठीक है, सही गलत जैसा भी टोकन है उसके पास, तो मैं बोलता हूँ JWT.verify कि भाई JWT से जो मैंने सिग्नेचर किया था ना उस सिग्नेचर को मैं वेरीफाई करूँगा। क्या करूँगा, मैं ओरिजिनल टोकन दूंगा, साथ में वो दूंगा सीक्रेट, जो बंदा टोकन लेकर आया है सही है गलत जो भी वो टोकन दूंगा, और मेरे पास जो सीक्रेट है जो सिर्फ मुझे पता है वो दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ना ये एरर या जो भी होगा वो बता देगा। ठीक है, तो मैंने कहा इफ़ नॉट एरर, अगर एरर नहीं है तो क्या करो, डिकोडेड डेटा पहले तो ये करो, जो भी डाला था मैंने सिग्नेचर करके वही वापस मिलेगा मुझे। और मैंने कहा कि यार इसका डेट वेट चेक करो कि भाई ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, पुराना तो नहीं है टोकन कहीं। ठीक है, तो ये सारा चेक वेक करके ना मैंने उसको बोला नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है कि चलो भाई अब आगे जाओ, जैसे होता है ना नाके पे आपको रोकते हैं, आपके कागजात चेक करके आपको कहते हैं जाओ, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, कागजात चेक करके वो बोलते हैं कि चलो यार कुछ चाय पानी करा दो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सही सही चल रहा है, तो ये कागजात चेक करने के बोलते हैं नेक्स्ट। हाँ सर, ये मिडलवेयर है, इसी को कहते हैं, ये मिडलवेयर है। जी जी, थोड़ा सा कमेंट कर दें अगर कि ये किस सूरत में यूज़ होगा, तो रिमाइंड हो जाएगा बाद में। ये हर रिक्वेस्ट यहाँ से होके गुजरेगी, पिन साइन अप लॉगिन होने के बाद ना। हाँ, दिस चेक पॉइंट। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने लॉगिन की रिक्वेस्ट की है तो वो तो इधर ही ख़त्म हो गई ना, या ये रिक्वेस्ट एक्सप्रेस में जो आती है वो पाइपलाइन की सूरत में आती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है यूँ, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी ना, लॉगिन से टकरा गई तो इधर ही ख़त्म फिर, सही है, लॉगआउट से टकरा गई तो इधर ही वापस चली जाएगी, यहाँ से नीचे थोड़ी आएगी वो, साइनअप से टच हो गई तो फिर वो वहीं से वापस, अगर इन किसी से भी मैच नहीं होगी ना फिर जाएगी वो नीचे, और उस
जो रिक्वेस्ट को जो इससे नीचे आती है उसको इस चेक पॉइंट से होके गुजरना होगा, इस चेक पॉइंट से वही रिक्वेस्ट पास होगी जिसके पास टोकन होगा, वैलिड टोकन होगा, ठीक है। अच्छा ये जब बोलेगा ना कि नेक्स्ट, ठीक है भाई जाओ अब आगे जाओ, फिर आगे ये दोबारा यहाँ से वही शुरू हो जाएगा, इससे गिरेगी फिर इससे गिरेगी फिर इससे गिरेगी, जिससे मैच हो गई उससे घर। अगर किसी से भी मैच नहीं हुई ना तो आखिर में 404 है, अगर ये यहाँ तक पहुँच गई ना रिक्वेस्ट तो फिर 404 हो जाता है, वो कहेगा कैन नॉट गेट, ठीक है। कैन नॉट उसका भी बाय द वे हम बना सकते हैं यहाँ पे ना, एस है एस्टेरिक लगा के हम बनाते हैं उसका ना, इसको हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं भाई इसको ना ऐप डॉट गेट, और हम कहते हैं कि भाई स्टेरिक, हम कहते हैं भाई इधर तक अगर पहुंच ही गए हो ना आप, ठीक है, ऐप डॉट गेट भी कह सकते हैं, ऐप डॉट यूज़ भी कह सकते हैं हम, सही है। ऐप डॉट यूज़ का मतलब है कि भाई हर रिक्वेस्ट होके गुजरेगी, तो मैंने इसको बोला कि रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सही है, पहले तो स्टेटस लगाऊंगा, बल्कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 है, ठीक है, मिला ही नहीं है जो ढूंढ रहे थे हम, और हम बोलेंगे कि भाई नॉट फाउंड, सही है, 404 नॉट फाउंड, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर, जो जैसे भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जेसन भी भिजवा सकते हैं, भी मैंने स्ट्रिंग रख दी है, आप जेसन भी रख सकते हैं, तो इसको यहाँ हैंडल भी किया जा सकता है कि अच्छा यार अगर रिक्वेस्ट बिल्कुल ही ना मिले तो क्या करो, ठीक है। सम टाइम यहाँ पे हम रिडायरेक्ट करवाते हैं कि अच्छा यार ये नहीं मिला ना तो रिडायरेक्ट करवा दो उसको होम पेज पे, इस तरह की हम चीज़ें भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से इसको हम डील कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है जी। तो ये हमने 404, तो हमने ये पूरा सर्वर हमारा जो था वो हमने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लिया कि उसमें अभी तक हमने क्या बना लिया। अच्छा अब हम आके अपना जो फ्रंट एंड है ना हमारा जो रिएक्ट की जो ऐप है उसका ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि वो उसमें इस वक्त क्या बना हुआ है, उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा ये हमने SRC को ओपन किया, SRC के अंदर हमारे पास ये index.js है जहाँ से ये हमारी कहानी शुरू होती है, ये बॉयलर प्लेट क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो बॉयलर प्लेट होता है उसी से बनी हुई ऐप है ये, ठीक है। ये इस फाइल में कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ हुआ, जस्ट ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट API से, तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस की है तो वो ज़रा देख ले, कॉन्टेक्स्ट API वाली। कॉन्टेक्स्ट API एक ऐसा वेरिएबल होता है, बिल्कुल स्टेट वेरिएबल की तरह होता है लेकिन ऐसा होता है जो पूरी ऐप में अवेलेबल होता है हमारे पास। अच्छा उसके बाद हमारे पास है app.jsx, ठीक है, इंडेक्स के बाद हमारे पास कहानी यहाँ पहुँचती है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास राउटर लगा हुआ है, ठीक है। राउटर क्या होता है कि आपकी जो ऐप होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं तो उसकी राउटिंग हमें करवानी होती है, तो ये मेरे पास राउटर है। राउटर के सबसे पहला जो है वो नैव बार लगा हुआ है, नैव बार जो है एक्चुअली नेविगेशन बार है जो हमारे एक अलग कंपोनेंट में बना हुआ है। अच्छा उसके बाद जो ये राउट्स है ना ये स्विच होते हैं, ठीक है, ये नीचे जो राउट्स बने हुए ये स्विच होते हैं। इसके अंदर क्या है भाई, राउट नंबर वन ये है कि स्लैश प्रोफाइल हो तो एलिमेंट प्रोफाइल का दिखा दो, यानी ये कंपोनेंट दिखा दो, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये स्विच हो रहा होता है, यानी इन तीनों में से कोई एक दिखेगा एक वक्त में, ठीक है। और इसको भी मैंने कंडीशनल बनाया हुआ है, किससे, स्टेट वेरिएबल जो है मेरा, कॉन्टेक्स्ट वाला स्टेट वेरिएबल जो ग्लोबल स्टेट कहलाता है मेरा, या कॉन्टेक्स्ट API भी कहते हैं उसको हम, उसके अंदर अगर बंदा लॉगिन ट्रू है तो ये फिर ये वाले सारे चलेंगे, अगर फॉल्स है तो ये वाले सारे चलेंगे, और अगर कुछ भी नहीं है, नल है, नल का मतलब ये है कि अभी पता ही नहीं हमें कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, तो फिर वो क्या करते थे हम एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते थे छोटी सी, और उससे हम इसको मतलब वो लोडर, एक लोडर शो हो रहा होता था हमारे पास। अच्छा इसको ज़रा मैं रन भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही समझ में आए। मैंने कहा CD कहाँ पे मैं खड़ा हुआ इस वक्त, हाँ 04 CD 04 रिएक्ट में आ गया मैं, उसके बाद CD 11 राइट, सही है। और यहाँ पे आके मैंने, अच्छा ये तो मेरा सर्वर है, तो मैंने कहा कि npm रन dev, ठीक है, तो ये मेरा सर्वर रन हो गया। अच्छा साथ में मैं एक और भी खोल लेता हूँ, मैंने कहा CD web, वेब के फोल्डर में मेरी रिएक्ट की ऐप है, npm start, ठीक है जी, तो ये मैंने दोनों को चला दिया, मेरा सर्वर भी रन हो गया और मेरा फ्रंट एंड भी रन हो गया। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट को मैंने ओपन कर लिया ताकि मुझे दिखता रहे कि यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो वो मुझे फ़ौरन पता चले, सही है जी। तो जैसे ही ऐप लोड होती है मेरी तो मैं क्या करता हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ किस पे,
प्रोफाइल गेट करने की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अगर वो प्रोफाइल गेट हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ यार बंदा लॉग इन है ये, ठीक है। और अगर प्रोफाइल गेट नहीं होती है तो मैं कहता हूँ नहीं यार बंदा लॉग इन नहीं है, ठीक है। और जब तक ये इसके दरमियान के मामला होते हैं, यानी जब तक पेज लोड हो रहा होता है, अगर मैं नेटवर्क को स्लो कर दूँ अगर थोड़ा सा, तो आप वो देख पाएंगे। मैंने कहा कि यार स्लो 3G, ठीक है, इंटरनेट को मैंने स्लो कर दिया इस पेज के लिए, तो आप उसको पिक्चर को बकायदा देख पाएंगे कि वो पहले लोडर आता है, लोडर शो होता है थोड़ी देर, फिर जब वो API हिट होके प्रॉपर ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर हमें ये दिखता है कि या तो लॉगिन का पेज और या तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले जाता है, डिपेंडिंग ऑन के जो बंदा है वो लॉगिन है इस वक्त या नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया, अब ज़रा देख लेते हैं ये रिक्वेस्ट हो कहाँ पर रही है, ये किस जगह पर ये रिक्वेस्ट हो रही है। ये app.js के अंदर ही मैंने एक यूज़ इफेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर ये काम हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे गेट प्रोफाइल करते हैं हम, गेट प्रोफाइल का अगर रिस्पांस आ जाता है 200 तो हम कहते हैं यूज़र लॉगिन है, ठीक है। डिस्पैच करते हैं क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट API को डायरेक्ट चेंज नहीं करते, इसको हम रिड्यूसर के ज़रिए चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी दूसरे मामला आते हैं तो हम कहते हैं भाई बंदा लॉग आउट है, सही है। तो इस तरह करके हम ये ऑथेंटिकेशन चेक कर लेते हैं। ऐप लोड होते ही सबसे पहला काम ये मैं कर लेता हूँ, ऑथेंटिकेशन चेक कर लेता हूँ बंदे की, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे राउट्स हैं। अच्छा, इन राउट्स में से हमारे पास इम्पॉर्टेंट राउट अभी कौन सा वाला है? एक तो लॉगिन और साइनअप का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट राउट है, उसके अलावा हमारे पास एक अदद प्रोफाइल का पेज है, ठीक है। और प्रोफाइल के पेज के अलावा हमारे पास प्रोडक्ट का भी पेज था, शायद हमने बनाया था प्रोडक्ट, हम ऐड जो करवाते थे वो कहाँ पर करवाते थे? अच्छा, सर्वर में प्रोडक्ट ऐड करने की मैंने API अभी तक नहीं बनाई ना। अच्छा, ये बनाई हुई है प्रोडक्ट ऐड करने की, प्रोडक्ट ऐड, हाँ ये तो हम ये यहाँ से आगे निकल गए थे, यहाँ से ज़रा देख भी लेते हैं ना। app.get users, तमाम यूज़र्स को गेट करने की एक API है हमारे पास, जिससे तमाम यूज़र गेट होके आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी यूज़र होंगे सारे यूज़र गेट होके आ जाते हैं, ये पता नहीं क्यों बनाई थी हमने, वेल ठीक है, इसकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। इसकी हमें तमाम यूज़र तो कभी भी ऐसे गेट नहीं करते हम, सही है ना, किसी भी सोशल मीडिया में किसी में भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि तमाम यूज़र को हम इस तरह गेट करें, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हाँ सिंगल यूज़र हमें चाहिए होता है। मैंने कहा app.get प्रोफाइल के भाई बंदे की प्रोफाइल ले आओ, यूज़र को गेट कर लो, ठीक है। इसमें मैं ID कहाँ से निकालता हूँ? बंदे के पास टोकन में जो ID है ना, उसमें से मैं निकाल लेता हूँ कि भाई जो भी बंदा लॉगिन है इस वक्त उसकी प्रोफाइल वो गेट कर सकता है, किसी और की प्रोफाइल वो गेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैंने सेंड कर दिया पूरा यूज़र यहाँ से। उसके अलावा मैंने प्रोडक्ट को पोस्ट किया था, ठीक है। तो प्रोडक्ट को पोस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो प्रोडक्ट की चार चीज़ें थी वो मुझे चाहिए थी, और ये प्रोडक्ट की चारों चीज़ों को मिला के मैंने एक प्रोडक्ट क्या किया यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ पे मैंने बोला प्रोडक्ट एडिट, सही है, और प्रोडक्ट एडिट करके मैंने भिजवा दिया कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट ऐड। अब मुझे क्या करना है? मुझे तीन चीज़ें और करनी है, सही है। प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, मैंने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के अलावा मुझे क्या करना है? वो करना है गेट और डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सही है। मैं चार मुझे चाहिए ना, ऐप डॉट मुझे गेट चाहिए, सही है, ऐप डॉट पोस्ट है यहाँ पे, और ऐप डॉट पुट और ऐप डॉट डिलीट, सही है, चारों चाहिए मुझे, सही है। तो ये चार रिक्वेस्टें हो चुकी हैं मेरे पास, तो चारों को एक एक करके हम ज़रा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा फ्रंट एंड बना लेंगे जाके। मैंने कहा app.get प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो है उसमें या तो मुझे तमाम प्रोडक्ट गेट करनी है, तो S लग जाएगा इसमें, ठीक है, एक तमाम प्रोडक्ट गेट करने वाला S लग जाएगा, तो मैं तमाम प्रोडक्ट वाला पहले कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई तमाम प्रोडक्ट को गेट करवाना चाहते हैं, और मैंने कहा कि भाई न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव हो गया ना, ये तो कैसे गेट करवाते थे हम गेट करवाते थे न्यू सॉरी प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, राइट, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड। अच्छा, फाइंड क्योंकि मुझे तमाम फाइंड करवाना है, इसलिए मुझे कोई क्राइटेरिया देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन भी नहीं है ना, तमाम प्रोडक्ट चाहिए मुझे, फाइंड का मतलब है सारे ले आओ, फाइंड वन में वो एक ही लाता है फिर। और मैंने इसको एम्प्टी दे दिया, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, ताकि ये क्या करे, ये तमाम के तमाम ले आए, कोई वो नहीं करे, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स में मैंने क्या बोला कि मैंने कहा भाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि जो भी यहाँ से मिलेगा ना मुझे वो असल में प्रोडक्ट्स होगा। ओके, फेल टू गेट प्रोडक्ट,
सही है जी। मैंने कहा भाई तमाम प्रोडक्ट जब गेट करें ऐसे करके क्वेरी लगाओ और प्रोडक्ट कंसोल करवा दो उसको ऑल प्रोडक्ट्स। सही है जी। रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल प्रोडक्ट्स। सही है। और यहाँ पे डेटा में प्रोडक्ट्स पूरी की पूरी भेज दी मैंने। अच्छा तो ये हो गया तमाम प्रोडक्ट को गेट करने वाली हमारी एपीआई। इसको चला के भी देख लेते हैं साथ साथ। ये थंडर का क्लाइंट मेरे पास मौजूद है। ओह थंडर क्लाइंट मेरे पास कौन से पोर्ट पे चल रहा है सर्वर ज़रा देख लेते हैं। सर्वर चल रहा है 5001 पे मेरे पास। मैंने कहा भाई 5001/products ठीक है। और इस पर मैंने गेट की रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा मेरे पास ये कह रहा है कि अच्छा आपके पास तो ना वो नहीं है क्रेडेंशियल्स नहीं है। ठीक है तो क्रेडेंशियल के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा लॉगिन। मैंने कहा भाई लॉगिन करो मुझे। और बॉडी में मैंने क्या रखा, मैंने कहा भाई ईमेल बॉडी में डालो और ईमेल के अलावा पासवर्ड डालो। सही है। ईमेल क्या थी मेरी, पासवर्ड क्या था मेरा 12345 राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था मेरा पासवर्ड। सही है। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और ये जो कुकीज़ थी ना मेरी वो मुझे नज़र तो नहीं आएगी लेकिन वो ऑटोमेटिकली अंदर सेव हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पर इसमें एक कलेक्शन बना लेता हूँ मैं। सही है। ये लॉगिन जो था ना इसका एक कलेक्शन बना लेता हूँ मैं। मैं कहता हूँ भाई इसको आप करो सेव। कलेक्शन कैसे बनती है इसमें, न्यू, हाँ न्यू कलेक्शन। मैंने कहा भाई मेरे जो क्रड का जो है ना आमतौर पे ना हम इसी तरह करते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं हम ना, और इसको हमने सेव करना है अब कलेक्शन के अंदर इस एपीआई को। कैसे होगा ये, कंट्रोल एस तो किया तो सेव हो गया बस। अच्छा न्यू रिक्वेस्ट ऐसे करनी पड़ेगी क्या मुझे, न्यू रिक्वेस्ट लॉगिन। अच्छा ऐसे होगा। चलो इधर से मैं कॉपी करके ले आता हूँ। लॉगिन का यूआरएल ये है, लॉगिन पोस्ट की रिक्वेस्ट है और लॉगिन के बॉडी में ये होगा। सही है सेव। तो बस ये मेरा अपना सेव हो गया इधर। अब मुझे क्या करना है, जब भी लॉगिन करना मैं इधर क्लिक करूँगा आगे और ऐसे प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने एक न्यू एपीआई और बनानी है। इसके अंदर एक मैंने न्यू रिक्वेस्ट और बना ली, इसका मैं नाम रख देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सही है। गेट ऑल प्रोडक्ट में मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया, यूआरएल मेरा वही है। ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि PRODUC प्रोडक्ट्स और मैंने कहा भाई गेट की रिक्वेस्ट होगी। ठीक है। और बॉडी में मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट और तमाम प्रोडक्ट गेट करनी है। तो ये देखें तमाम प्रोडक्ट मेरे पास गेट होके आ गई। इससे पहले मैं यही API कॉल कर रहा था ना वो कॉल नहीं हो रही थी। सही है। क्योंकि मैं लॉगिन नहीं था, यानी इसमें मेरे पास वैलिड टोकन नहीं था इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रही थी। तो अब मेरे पास ये लॉगिन हो चुकी है। मेरे पास मैसेज आ रहा है किसी का। साइलेंट कर दिया मैंने यार, मैसेजेस अचानक ना आने शुरू हो जाते हैं सारे। अच्छा तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। सही है। गेट ऑल प्रोडक्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है मेरे पास। अच्छा अब मैंने करना है गेट सिंगल प्रोडक्ट, कि सिंगल प्रोडक्ट अगर गेट करनी होगी तो वो कैसे होगा। इसमें से मैं एस हटा देता हूँ और जब मैं एस हटा दूँगा तो ज़ाहिर है मुझे स्लैश और प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी। सही है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसकी आईडी चाहिए होगी। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फाइंड वन। सही है। अब तमाम का तमाम मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं बोलूँगा अंडर स्कोर आई डी क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट क्या बोलते हैं इसको यार,
params dot id, सही है, ये जो मैंने इधर आईडी लिखी है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी में मिलती है, ठीक है। एस नहीं लगा हुआ प्रोडक्ट में, रेस्ट एपीआई के हमें 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे उसके अंदर, ये चीज़ हम अच्छी तरह हमने देख ली थी कि भाई कहाँ पे क्या लगता है नहीं लगता, ठीक है। तो मैंने कहा भाई सिंगल प्रोडक्ट गेट होगी, उसकी आईडी भी देंगे, उसकी आईडी से ये गेट करके लाएगा प्रोडक्ट को, और गेट करके लाने के बाद क्या करेगा आपको दे देगा, ये प्रोडक्ट होगा। अच्छा इसमें एस भी नहीं लगेगा ना इस प्रोडक्ट में, जहाँ जहाँ पे एस लगाता था मैं वहाँ से एस हटा दूँ, ठीक है। मैंने कहा ये प्रोडक्ट जो भी है इसको कंसोल करो और उसको भेज दो, ठीक है, ठीक है। नहीं मिलता तो 500 बोल दो, ख़त्म बात। ये मैंने बना लिया, अब ज़रा हम क्या करते हैं इसको भी कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा यार डुप्लीकेट करो और इसका नाम चेंज करो, नाम कैसे चेंज होगा, तो ये गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये मैं कलेक्शन तैयार करता जा रहा हूँ साथ साथ। मैंने कहा एस हटा दो इसमें से, एस हटा के स्लैश लगाओ, और ये मेरे पास जो आई वी ना प्रोडक्ट पहले से, जैसे ये आई वी प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका जो है ना ये आईडी उठा के मैंने दे दिया इधर। मैंने कहा भाई साहब आप यह करो यहाँ पे ना ऐसे आईडी पेस्ट करो इसे, और ये स्ट्रिंग नहीं लगेगा ना इसके साथ, सही है। और गेट की रिक्वेस्ट होगी लोकल होस्ट 5001 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उसकी आईडी सेंड, सही है। ये मुझे प्रोडक्ट वो सिंगल प्रोडक्ट आके मिल गई, ठीक हो गया। अगर आईडी मैं गलत लिखूंगा यहाँ पे तो मुझे ये एरर दे देगा कि भाई फेल टू गेट प्रोडक्ट, ख़त्म बात, सही है। ये मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट गेट करने वाली एपीआई तैयार हो गई। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, पोस्ट तो मेरा पहले से ही बना हुआ था, अब मुझे चाहिए पुट कि इस प्रोडक्ट को एडिट करना है जब, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्लैश और आईडी यहाँ पे देनी होगी कि भाई किस प्रोडक्ट को एडिट करना है आपको, वो भी बताओ आप, सही है। तो मेरी ये तीन एपीआई तैयार हो गई, अब मैं चौथी यानी एडिट की जो एपीआई है वो अब उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट टू बी, अभी इसके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे क्या चाहिए, जो जो चीज़ें एडिट करनी है ना वो चीज़ें चाहिए मुझे, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने एडिट करनी है वो चीज़ें मुझे इसमें चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले तो ये बोलो कि डेटा टू बी एडिटेड, सही है। जो भी डेटा एडिट करना है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे मिलेगा, उसी सीक्वेंस से मिलेगा, बॉडी डॉट नेम, बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, बॉडी डॉट प्राइस और बॉडी डॉट कोड, यही चार चीज़ें मुझे मिल रही होंगी उसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब इमेज नहीं है ना, इमेज फ़िलहाल हमने नहीं रखी है अभी। अच्छा तो ये इस तरीके से नहीं होगा, एडिट कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। एडिट ऐसे होगा, मैं कहूँगा न्यू प्रोडक्ट डॉट, पहले तो फाइंड करेंगे उसको, राइट, न्यू प्रोडक्ट, सॉरी ये भी नहीं होगा, मैंने कहा कि प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन एंड एडिट, सही है, फाइंड वन एंड अपडेट। फाइंड वन एंड अपडेट के अंदर मुझे क्या क्या देना होता है, यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा ना मुझे बता देगा। ये कह रहा है भाई, कह रहा है भाई आप सबसे पहले क्या दोगे फाइंड वन एंड अपडेट को, फाइंड वन एंड अपडेट डॉक्यूमेंट 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 डॉट अननोन, हाँ पहले आप दोगे इसको फिल्टर, सही है, क्वेरी का फिल्टर दोगे कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आपको ढूंढ डांड के ना एडिट करवाना है। तो फिल्टर हम दे देते हैं सबसे पहले इसको, फ़िल्टर हम ये दे देते हैं, और सॉरी जेसन में होगा ना फिल्टर। मैंने कहा भाई अंडर स्कोर आई डी जो है ना वो किसके इक्वल हो, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी के इक्वल हो, सही है, ये मैंने कह दिया। अच्छा अब दूसरी बात इसको क्या देनी होती है, हाथ रखते हैं इसके ऊपर, फिल्टर हमने दे दिया, सही है। फिल्टर के बाद कॉमा लगा के अपडेट जो जो चीज़ें करनी है ना वो हमने इसको देना है, ठीक है। अपडेट तो हमें सारा ही करना है। अच्छा इसको दो लाइनों में कर लेते हैं, ज़रा तंग हो रहा है उधर, ये सही है। अब इसने बोला कि यार कॉमा डाल के ना आप क्या दे दो इसको, आप वो चीज़ें दे दो जो अपडेट करनी है। तो कॉमा डाल के ना मैं एक इसको ऑब्जेक्ट और दूंगा, सही है, और कॉमा डाल के ऑब्जेक्ट इसको और देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा फाइंड वन एंड अपडेट ना हम ज़रा डॉक्यूमेंट से भी देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे करके बताया हुआ अपडेट करना, क्योंकि अपडेट में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। अरे भाई ये तो मॉन्गोस लिखना था ना मैंने,
सही है, ये मोंगोस का डॉक्यूमेंट खुल गया है, फाइंड वन एंड अपडेट का, राइट। अब फाइंड वन एंड अपडेट का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्होंने ना इसको चला के भी दिखाया हुआ है, ये चला के दिखाया हुआ है इधर, ठीक है। पहले फ़िल्टर दिया है, फिर अपडेट दिया है, कि सही है फ़िल्टर ये है और अपडेट ये है। तो ये तो बहुत ही इन्होंने सिंपल सा अपडेट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ना हमारे पास अगर एरे वगैरह ना, तो उसको अपडेट करने का सारा तरीका यहाँ पे मौजूद है ना। अच्छा, अपसेट ट्रू का मतलब होता है कि पहले से अगर वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो उसको क्रिएट भी कर देगा। अच्छा, तो हमारा काम तो इस तरीके से वैसे हो जाएगा भाई, दबे अपडेट देना है हमने और रिटर्न ओरिजिनल फॉल्स। तो हमने यहाँ पे बस ना वो सारी चीज़ें दे देनी है जो हमने अपडेट करवानी है। अच्छा, अपडेट मैंने क्या क्या करवाना था, वही चारों चीज़ें करवानी थी अपडेट। मैंने कहा भाई ये चारों चीज़ें मैंने अपडेट करवानी है, सही है। अच्छा, जस्ट इन केस अगर मुझे कोई एक चीज़ अगर कम मिलती है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट मैं ना इधर नहीं बनाऊँगा, इसको मैं बनाऊँगा बाहर यहाँ पे, सही है। ओ, क्या किया मैंने, ये मैंने कहा कि लेट अपडेट इक्वल्स टू दिस, सही है, ऐसे करके मैंने रखा। अब इसके अंदर ना मैं कंडीशनल करूँगा इन सारी चीज़ों को, कैसे कंडीशनल करूँगा, इस सबको मैं ले आऊँगा बाहर और ये अपडेट शुरू में होगा खाली, और मैं उसको बोलूँगा कि इफ़, सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम अगर है, सही है, तो क्या करो अपडेट के अंदर इसको ऐड करो, अदरवाइज ऐड ना करो, सही है। फिर मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अच्छा इसको मैं पूरे एक साथ कर लेता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और कोड है, सही है। ये आई होप सब लोगों को समझ आया होगा ये मैंने क्या किया। देखें, असल में चक्कर ये होता है कि अपडेट में ना मैं जो बात लिख देता हूँ ना वही अपडेट होता है, अगर मैं जैसे कोई बात ना लिखूँ तो वो अपडेट नहीं होता। अब इमेजिन करें कि मुझे प्रोडक्ट का सिर्फ नाम अपडेट करवाना है, तो मैं बॉडी में ना सिर्फ नाम देकर भेजूँगा इसको, सही है, बाकी चीज़ें तो नहीं दूंगा मैं। लेकिन उससे होगा क्या कि अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वो लिख दिया ना, तो बाकी चीज़ें अनडिफाइन है, सही है, तो वो उसको अनडिफाइन कर देगा, अपडेट मार देगा उसको, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो किया है उसमें होगा ये कि अगर मैंने सिर्फ नाम दिया है ना, तो इस अपडेट में सिर्फ नाम ऐड होगा, बाकी चीज़ें होंगी नहीं, सही है, अनडिफाइन नहीं होगी, होगी ही नहीं सिरे से, ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा, फिर बॉडी में एक्स्ट्रा डाल के कोई ना भेज दे, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने चारों को अलग से हाथ से हैंडल किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये अपडेट ऐड करवा दिया, इस अपडेट को एक लाइन में ही कर देते हैं। अच्छा, इसमें आप कुछ ऑप्शंस वगैरह भी आप दे सकते हैं, ऑप्शंस में आप क्या क्या दे सकते हैं, ज़रा ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे ना, कि ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है। ये रहा, ओके, ना ना ना, वो ऑप्शन की ना पूरी एक लिस्ट होती है, ये जो ऑप्शन इसने पास किया हुआ ना, इस ऑप्शन की एक पूरी लिस्ट होगी यहाँ पे, ऑप्शन में क्या क्या मैं दे सकता हूँ। कहाँ कर दिया, यार यही तो था ऑप्शन, दी ऑप्शन। अच्छा, तो ये तीन ऑप्शन है, रॉ रिजल्ट क्या करता है कि मोंगो ट्रांसफॉर्म द रिजल्ट ऑफ फाइंड वन अपडेट बाय डिफॉल्ट इट टर्न्स द अपडेटेड डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि जब आप ये क्वेरी रन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा होता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स आप कर सकते हैं, रिटर्न द रॉ MongoDB ड्राइवर, सही है। तो ये अब मेरे ख्याल है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देते हैं जो भी है ये। अच्छा, उसके अलावा एक और क्या है हमारे पास, अपसर्ट है। अपसर्ट का काम क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद नहीं है ना, उसको वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक अपडेट है, एटॉमिक अपडेट क्या करता है, एटॉमिक अपडेट क्या है, ये पता नहीं क्या है एटॉमिक अपडेट, पढ़ लेते हैं इसको। विद एक्सेप्शन ऑफ अनइंडेक्स्ड अपसर्ट इज फाइंड वन अपडेट इज एटॉमिक।
दैट मीन्स दैट यू कैन एज्यूम द डॉक्यूमेंट डजेंट चेंज बिटवीन व्हेन MongoDB फाइंड्स द डॉक्यूमेंट एंड व्हेन इट अपडेट द डॉक्यूमेंट अनलेस यू आर डूइंग द अपसर्ट। अच्छा, कह रहा है कि पहले फाइंड करके लाओ और फिर ला के उसको अपडेट करके ना दोबारा सेव कॉल करो, तो दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक अपडेट। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या किया भाई, इन्होंने पहले फाइंड वन करके ना डॉक्यूमेंट को मंगवाया है, ये डॉक में आके ना सेव हो गया, फिर डॉक के ऊपर क्या किया इन्होंने, डॉक के ऊपर रिजल्ट किया चेंज और फिर इसी डॉक के ऊपर सेव कॉल कर दिया, तो दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड एटॉमिक अपडेट। सही है, ठीक है, तो हमने एटॉमिक वटॉमिक नहीं कराना, हमने प्रॉपर तरीके से कराना है। अब यहाँ पे हमें ना कॉमा डाल के ऑप्शंस हम दे सकते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन नहीं देना, तो हम क्या करेंगे उसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐसे पास कर देंगे कि हमने कोई ऑप्शन नहीं पास करना। ठीक है, और हमने उसके बाद क्या लगा दिया इस पर, डॉट एग्जिट लगा दिया। ठीक है, एग्जिट का मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है कि भाई अब ये जो अपडेट की क्वेरी है ना, ये अपडेट आप इसको क्या कर दो, अच्छा अपडेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे मुझे मिल रही होगी। ठीक है, मैंने कहा भाई अपडेटेड प्रोडक्ट को भी क्या करवा दो, आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो अपडेटेड प्रोडक्ट को। सही है, अपडेटेड प्रोडक्ट प्रिंट हो गई, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ये अपडेटेड प्रोडक्ट आप, सही है, सक्सेसफुली ये भिजवा दिया मैंने। अगर कोई भी एरर आ जाता है तो बोलो 500 बाई फेल टू अपडेट प्रोडक्ट। सही हो गया जी, ये हमारा बेहतरीन ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा, अब हमारा इसको वैसे चेक भी कर लेते हैं ना, जल्दी से इसको हम चेक भी कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे इसको, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, इसका नाम कर देता हूँ, गेट सिंगल प्रोडक्ट इसको रीनेम करना था ना मैंने, सही है। अपडेट में मैंने क्या करना है, गेट की जगह मैंने पुट लगाना है, और पुट लगा के मुझे बॉडी में क्या भेजना है, जो चीज़ें मुझे अपडेट करनी है ना वो मैंने भेजनी है। सही है, इसी प्रोडक्ट को अपडेट करना है मैंने, पहले तो इस प्रोडक्ट में देख लेते हैं ना, नेम इसका है गेम वन, तो अब इसको गेम टू करना है मैंने इसके नाम को ना, तो मैं क्या रख के भेजूँगा यहाँ पे, नेम इक्वल्स टू गेम टू, राइट, और मैं सेंड करूँगा तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। अब मैं गेट ऑल प्रोडक्ट करके देखता हूँ कि इसमें ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, देखें भाई नेम आपका चेंज हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई है, इसमें डेटा क्यों नहीं रिटर्न हुआ, इसमें मुझे डेटा रिटर्न चाहिए था ना, ये क्यों नहीं हुआ, इसमें मुझे रिटर्न चाहिए था ना ओरिजिनल वाला, वो क्यों नहीं हुआ, नेम प्राइस दिस कॉल बैक, रिटर्न डॉक्यूमेंट, सही है, रिटर्न डॉक्यूमेंट को जो है हमने क्या करना था, ट्रू करना था शायद यहाँ पे, अब करके देखते हैं। सही है, ये अपडेट करने के बाद लेकिन जो है ना उसको रिटर्न नहीं कर रहा है, ये कैसे रिटर्न करेगा, रॉ रिजल्ट, मोंगोस ट्रांसफॉर्म द रिजल्ट ऑफ दिस इज बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न द अपडेटेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो ये लगा देते हैं ना हम, रॉ रिजल्ट ट्रू है, रॉ रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, ये हटा देते हैं हम, रिटर्न डॉक्यूमेंट, रॉ रिजल्ट ट्रू, देखते हैं अब ये करता है रिटर्न या नहीं करता, नहीं कर रहा यार रिटर्न, क्या बकवास है ये। अच्छा, अपडेटेड प्रोडक्ट जो है वो प्रॉमिस है, ओ मैंने ये अवेट नहीं लगाया ना, जब ही तो नहीं चल रहा ये, अवेट लगाना भूल गया था मैं, देख रहे हो कैसे कैसे बंद होते हैं, हाँ सही है, अब आने लग गए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है, मुझे इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैं ये ऑप्शन हटा दूँ, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट ही देता है, ये लगाए बगैर ही देता है, ये ऐसे ही देगा इंशाल्लाह, हाँ बस सही है ना, अब ये ठीक दे रहा है, वो रॉ से क्या होता है, वो थोड़ा वो एक्स्ट्रा डेटा भी लाने लग जाता है,
तो बस ये मैं असल में अवेट लगाना भूल गया था यहाँ पे, इसलिए नहीं आ रहा था। अवेट मैंने लगाया तो ये बिल्कुल सेट हो गया। सही है। अच्छा, अब सिर्फ मुझे अगर प्राइस इसकी अपडेट करनी है तो मैं सिर्फ प्राइस लिखूँगा तो वो अपडेट हो जाएगी। प्राइस इसकी क्या है अभी, 3323 है ना। मैंने कहा भाई प्राइस जो है इसकी क्या कर दो आप, 120 कर दो अपडेट। तो ये प्राइस भी आपकी क्या हो गई, ओ सॉरी ये स्ट्रिंग देना था मुझे। सही है, प्राइस आपकी अपडेट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से गेम एबीसी है ना, अगर मुझे अगर नाम नहीं अपडेट करना, मुझे सिर्फ ये करना है अपडेट। ठीक है, मैंने कहा 320 कर दो तो ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ये क्या सीन है यार, ये सेकंड टाइम में क्यों हो रहा है अपडेट। अच्छा, ये असल में कर रहा ही है कि अपडेट होने से पहले जो था ना वो मुझे रिटर्न कर रहा है। अपडेट होने से पहले वाला मुझे रिटर्न कर रहा है ये। बाई डिफ़ॉल्ट इट रिटर्न्स द अपडेटेड डॉक्यूमेंट दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू चेक वेदर अ डॉक्यूमेंट वाज अपसर्टेड और नॉट। इन ऑर्डर टू गेट द अपडेटेड डॉक्यूमेंट एंड चेक वेदर एट MongoDB अपसर्टेड अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द सेम ऑपरेशन, यू कैन सेट रॉ रिजल्ट फ्लैग टू मेक श्योर द रिजल्ट फ्रॉम MongoDB। अच्छा सही है, तो बस इसको हम लगा देते हैं, फिर ट्रू लगा देते हैं। अगर इसको हम ट्रू नहीं लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक अपडेट होने से पहले जो था ना वो दे रहा है मुझे। और ये ट्रू करने के बाद देख लेते हैं अब क्या करता है ये। 321 है ना, मैंने कहा इसको 1000 कर दो इसकी प्राइस को। नहीं, अभी भी ये अपडेट होने से पहले वाला ही दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कोड में गलती की है क्या। सर्वर रीस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, सर्वर तो रीस्टार्ट हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, नॉट मोन लगा हुआ। अच्छा, हाँ नॉट मोन लगा हुआ। सही है, रॉ रिजल्ट ट्रू। देख लेते हैं ज़रा जल्दी से गूगल करके। अच्छा, इसका भी यही प्रॉब्लम है कि भाई ये कह रहा है नहीं दे रहा अपडेटेड। ओके, न्यू करके ट्रू लगाना होता है मुझे, फिर ये देता है। सही है, इन्होंने बताया हुआ तो है यहाँ पे कि न्यू लगता है ये, हमने ये देखा ना, ये इसने बताया हुआ कि न्यू वाला मुझे चाहिए, लेकिन ये न्यू के बारे में लिखा नहीं है कुछ कि ये न्यू है क्या चीज़। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने बोला है कि भाई आप ऐसे न्यू करके दोगे ना फिर ये आपको मिलेगा अपडेटेड वाला। हाँ, ऐसे न्यू करके ट्रू लेना पड़ेगा फिर, और रिटर्न ओरिजिनल इसकी खैर है। तो हम असल में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि न्यू ट्रू देना है मुझे आपने, अपसर्टेड वबसर्टेड नहीं दो, न्यू करके ट्रू दो। सही है, तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हमें ये चने चबवा रहा है तो चबा लेते हैं। यार ये साइड पे क्यों आ गया अचानक से। क्या बकवास है, साइड पे क्यों आ गया। वेल, मैंने कहा भाई रेट गिरा दो, 500 कर दो। सही है, 501 कर दो। हाँ तो सही है, अब ये ठीक हो गया। वो न्यू करके मुझे ट्रू देना था उसको। सही है, अब गेट अ सिंगल प्रोडक्ट में करूँगा तो मुझे क्या देगा ये, अपडेटेड वाले रेट। गेट ऑल प्रोडक्ट में भी मुझे, ये भी पुराना रेट है ना, इसको मैं गेट करूँगा, अब मुझे अप टू डेट रेट देगा ये। मुझे चारों चीज़ें चेंज करानी है, मैं चारों चीज़ें डाल दूँगा। सही है, चारों को अपडेट कर देगा ये। तो जो जो अपडेट करना होगा वही वही डालूंगा, फिर अपडेट होगा ये। अच्छा, अब मैंने करना है डिलीट वाला काम, करना रह गया मेरा अब। सही, डिलीट वाला काम मेरा सिर्फ रह गया अब। मैंने कहा भाई डुप्लीकेट, और मैंने कहा भाई रीनेम। यार ये क्या किया मैंने, सही है, मैंने कहा भाई ये डिलीट की रिक्वेस्ट होगी और प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, दैट्स इट। सही है, बॉडी में कुछ भी नहीं होगा इसके। और मैंने बोला भाई सेव।
अच्छा ये जो मैंने नाम रखा है ना, ये भी मैंने गलत रखा है नाम, राइट? इसका नाम पता है कैसे होगा? ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स होगा। सही है, गेट सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट होगा। अभी आप देखें जब ये बनेगा ना तो आपको मेक सेंस हो जाएगा भैया। ये भी सिर्फ प्रोडक्ट, ओ भाई हट जाए ऐसे। सही है, अब ये मेक सेंस हो गया। देखें सबसे पहले गेट प्रोडक्ट्स, फिर गेट प्रोडक्ट बगैर एस वाला, ठीक है? नाम से जाहिर है कि ये सिंगल देगा। उसके बाद प्रोडक्ट और ये डिलीट की रिक्वेस्ट है, फिर पुट है और प्रोडक्ट है। सही है, तो ये ऑटोमेटिक मेक सेंस है। तो जो प्रोफेशनल्स इसको बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं, मतलब ना नाम रखते हैं सिर्फ, और गेट पुट पोस्ट और डिलीट। अच्छा फिर इसका एक फोल्डर बनता है ना, फोल्डर के अंदर रखा जाता है इसको। न्यू फोल्डर मैंने किया, और न्यू फोल्डर मैंने बोला PRODUCT। सही है, जो प्रोडक्ट की API है सारी की सारी है, तो मैंने इसको सबको क्या किया, सेलेक्ट किया। ओहो यार कैसे होगा ये, एक एक करके अंदर करना पड़ेगा। सही है, तो अब प्रोडक्ट की जो API है ना वो सारी प्रोडक्ट के फोल्डर में चली गई। अच्छा लॉगिन वाली को भी अंदर कर दिया, मैं लॉगिन वाली को बाहर कर देता हूँ। मैं लॉगिन वाली भी अंदर हो गई है। सही है, लॉगिन के लिए अलग फोल्डर एक बनेगा यहाँ पे। अब न्यू फोल्डर, ओ नहीं न्यू रिक्वेस्ट नहीं, न्यू फोल्डर था, न्यू फोल्डर, और मैंने कहा कि ऑथेंटिकेशन की जो है ना वो सारी इधर होगी। सही है, तो ऑथ वाले को खोलूँगा, लॉगिन साइन अप, प्रोडक्ट वाले को खोलूँगा, चारों प्रोडक्ट की API आ गई। सही हो गया, अब हमारी API जो है ना वो मेक सेंस हो गई है, और API हमारी स्टेबल भी हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ कमिट। मैंने कहा APIs रेडी सिंक चेंजेस, अब हमने आके इसको कोड करना है अपने फ्रंट एंड के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स का पेज है हमारा उसके ऊपर हमने इसको कोड करना है। अच्छा प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ, फॉर्मिक हमने लगाया था इस पर, जो लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी इसकी वीडियो। फॉर्मिक जो है वो एक फॉर्म वैलिडेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशंस वगैरह के लिए। तो ऐसे करके इसको रिक्वायर करना होता है ऊपर, उसके बाद ऐसे करके इसका हुक बनता है, ठीक है? हुक में इनिशियल वैल्यू 4 थी, वो चारों मैंने दे दी, ठीक है? उसके अलावा वैलिडेशन स्कीमा हमने देखा था, ये वैलिडेशन स्कीमा, ये बहुत इजी है। आप इसमें फॉर्मिक के जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स पे तो ये लिखा हुआ भी है। यप एक छोटी सी अलग लाइब्रेरी है जिसमें ये सारी डिस्कस हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है? ऑन सबमिट के ऊपर जो फंक्शन चलना होता है वो यहाँ लिखा हुआ है हमने, ठीक है? अच्छा ऑन सबमिट के ऊपर हमने बोला कि भाई आप क्रिएट करो प्रोडक्ट जो भी है, और क्रिएट करके इधर ला के उसको डिस्प्ले करवा दो। अच्छा तो ये बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया हमारा। इस पेज को ज़रा जाके देख लेते हैं कि ये पेज दिखने में कैसा है। मैंने साइन इन किया, साइन इन करते ही मैं कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट्स के पेज पे आ गया। अब प्रोडक्ट्स के पेज पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, और लिख के मैं क्या करता हूँ उसको सबमिट करता हूँ, तो वो प्रोडक्ट जाके ऐड हो जाती है, ठीक है? डेटाबेस में ऐड हो जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रही है प्रोडक्ट, ठीक है? मुझे यहाँ नज़र आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक अदद मुझे यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? यूज़ इफेक्ट में क्या करता हूँ, कॉपी करके ले आता हूँ, कहाँ से भला, मैंने app.js में एक यूज़ इफेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है? ये यूज़ इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है, इधर ही से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर आते ही मैंने क्या करना है, जो मेरा यूज़ इफेक्ट है ना उसको मैंने बोलना है कि भाई आप चल जाओ जल्दी से, और आप चलने के बाद क्या करो, गेट प्रोफाइल नहीं करो, अब बोलोगे आप गेट ऑल प्रोडक्ट्स, राइट? गेट ऑल प्रोडक्ट का एक फंक्शन है जो कि यूज़ इफेक्ट के अंदर चल रहा है। ये कब चलेगा, जब ये प्रोडक्ट्स का पेज लोड होगा तो ये फ़ौरन चल जाएगा पहली बार में ही। यहाँ पे मैंने बोला PRODUCTS प्रोडक्ट्स, ठीक है? ताकि तमाम प्रोडक्ट आए, मैंने कहा मेथड है गेट और क्रेडेंशियल ट्रू है, ठीक है? मैंने कहा कि ठीक है भाई अगर तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएँ तो आप क्या करो, यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन पर। डिस्पैच मैंने नहीं करना है क्योंकि ग्लोबल में कुछ काम नहीं करवाना मैंने, एज ये डिस्पैच सारे हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ग्लोबल मैंने कोई काम नहीं करवाना, मैंने सारा लोकल करवाना है काम यहाँ पे इसी कंपोनेंट के अंदर रहते हुए। मैंने कहा यहाँ पे क्या बना लो, एक अदद वो बना लो यूज़ स्टेट, मैंने कहा प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट, और इसको शुरू में एम्प्टी एरे रखवा दो। अब तमाम प्रोडक्ट आके इसके अंदर सेव होने वाली हैं, ठीक है? तो मैंने कहा भाई अगर ये रिस्पॉन्स 200 है इसका, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट होगी मेरी। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ना सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो, बल्कि क्या कर दो, सेट प्रोडक्ट में भी इसको रखवा दो। सही है, सेट प्रोडक्ट में भी रखवा दिया, इसका मतलब वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? एल्स अगर 200 ना हो, कोई भी और हो, तो आप क्या करवा दो,
आप यहाँ पे करवा दोगे कॉन्सोल डॉट लॉग एरर इन एपीआई कॉल, ठीक है। इसको वैसे असूलन इसको भी मुझे स्क्रीन पे दिखाना चाहिए कि भाई क्या एरर आ गया, क्या ऐसा हो गया, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं जस्ट कंसोल पे इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सिंपली इसके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरर का आप स्टेट वेरिएबल बना लेंगे और उस स्टेट वेरिएबल को आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम फिलहाल एरर हैंडलिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अभी अपना फीचर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सेट प्रोडक्ट के अंदर जब मेरी प्रोडक्ट शो हो गई है यहाँ पे, तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं ये पेज रिफ्रेश करूँगा ना, तो तमाम प्रोडक्ट मेरे पास देखो स्क्रीन पर यहाँ पर क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई, सही है। ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो स्क्रीन पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रही हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं मेरी। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये प्रोडक्ट का जो फॉर्म था, ज़ाहिर है जहाँ पे फॉर्म ख़त्म हो रहा है नीचे, उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा। मैंने कहा एक बीआर लगा दो, सॉरी बीआर नहीं, एचआर लगा दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लकीर खींच दो और इस लकीर के बाद क्या करो, एक अदर डिव बनाओ और उस डिव के अंदर क्या करो आप, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है, ईच प्रोडक्ट जो भी मिलेगा वो ईच प्रोडक्ट होगा, और मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, ऐसे करके ना उस प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले करवा दो, यार ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एरर क्यों दे रही है ये, मैंने क्या गड़बड़ की है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही लगाई है ना, सही तो है स्पेलिंग, प्रोडक्ट्स डॉट मैप ईच प्रोडक्ट सही तो है, ये लाल क्यों हुआ है बिला वजह, एक कर्ली ब्रेस है और नहीं लगेगी यहाँ पे। अच्छा गोल ब्रैकेट एक मिस कर दिया मैंने, सही है, ये मैप की जो गोल ब्रैकेट थी एक ये वाली थी, दो गोल ब्रैकेट्स थी यहाँ पे। अच्छा मैंने कहा कि भाई H3 से प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करवा दो, H3 में मैंने कहा कि भाई ईच प्रोडक्ट डॉट नेम, सही है, और उसके नीचे मैंने कहा कि यार एक डिव होगा और उस डिव के अंदर क्या आ जाएगा, ईच प्रोडक्ट डॉट प्राइस, सही है, एक डिव और होगा जिसके अंदर चार चीज़ें थी ना, क्या किया था, क्या किया था यार हमारे पास, फॉर्म में देख लेते हैं ना, हाँ नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस और कोड, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कोड, सही है, चारों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा मैं यहाँ पे ना मैप से पहले क्वेश्चन मार्क एक लगा दूंगा एहतियातन, वैसे तो अगर प्रोडक्ट के अंदर आपका एम्प्टी एरे होगा तो वो वैसे भी नहीं चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं यहाँ पे, नलिश ऑपरेटर कहलाता है ये, और यहाँ पे भी जो मैंने लगाया है ना ये सारे, इसके भी साथ में क्या करूँगा मैं, सबके साथ यहाँ पे एक अदद क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क डॉट, इससे क्या होता है कि अगर इस पर प्रोडक्ट डॉट नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना तो आपका कोड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये नलिश ऑपरेटर कहलाता है, तो ये हमने इस पर लगा दिया। अच्छा अब आप देखें क्या हुआ, जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये एक प्रोडक्ट और ये दो प्रोडक्ट, ये दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो गई आगे। अच्छा इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं अभी स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जब आप ये बनाएंगे तो इस पर स्टाइलिंग भी करनी है आपने, राइट। अच्छा हमने एक वेदर कार्ड बनाया था शायद हमने ना, तो वेल प्रोडक्ट्स पेज में लिखूंगा ना, तो ये इमेजेस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट किस तरह से आ रही होती है डिस्प्ले होके, दराज लिख देता हूँ साथ में मैं। आप सब लोगों ने वैसे तो देखा हुआ होगा, लेकिन जस्ट इन केस आपको मैं एक दफ़ा और दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स, अरे क्या बकवास है यार दिखा क्यों नहीं रही, मैं बल्कि वैसे ही लिख देता हूँ ना यहाँ पे, दराज और लैपटॉप, सही है, सर्च कर लेते हैं नो प्रॉब्लम के लैपटॉप्स जो दराज में बिक रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आ रही होती है आपके पास, राइट, उसमें टेक्स्ट आ रहा होता है नीचे, ऐसे प्राइस आ रही होती है, ऐसे रेटिंग वेटिंग आ रही होती है। तो आपने जो बनाना है ना, मैंने सिर्फ चार चीज़ें रखी हैं, आपने इसमें स्टार्स भी बनाने हैं, रिव्यूज़ भी बताने हैं, देखो कंट्री लिखा हुआ है इसमें कि कौन सी कंट्री से है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है, हो सके तो सर इमेज भी ऐड कर दीजिएगा जी। सर
सर जैसे यूज़र हमारा इमेज वगैरह डालता है लैपटॉप की जो हमें सेल करना होता है जैसे यहाँ पे, तो वो कैसे डलता है हाँ वो अभी तक इमेज हमने वगैरह? कवर नहीं किया है क्लास में। फिलहाल अभी स्टैटिक इमेजेस लगा दीजिएगा, इमेज अपलोड कैसे होती है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया इस क्लास में। सही है, सही, कोशिश होगी मेरी कि मैं कवर करूँ, ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि ठीक वो है। भी बहुत। तो अब आपका सिंगल प्रोडक्ट का जो पेज है वो ऐसा होगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो फिर ऐसा करके पेज खुलना चाहिए। हम सिंगल प्रोडक्ट की भी API बना चुके हैं, राइट। तो अच्छा, अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे बटन बनाना है इस पे, एडिट का, डिलीट का, ये सारा बटन मैंने इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। मैंने बटन बनाया, मैंने कहा भाई डिलीट का बटन बनाओ पहले तो, सही है। डिलीट के बटन के मैंने कहा भाई ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन क्लिक पे इसके चलेगा एक अदद फंक्शन, सही है, ये हो गया। सर जी, सर ये बटन तो हिडन होता है ना, यूजर को तो नहीं नजर आ रहे होते? नहीं, डिलीट का बटन, ये अभी तो हमारा क्रड ऑपरेशन है ना, कि भाई एक ही पेज है उस पर चारों ऑपरेशन हो रहे होंगे हमारे, ये पूरी लिस्ट भी आ रही होगी, डिलीट का और एडिट का बटन भी यहीं पे आ रहा होगा। हाँ जाहिर है, यूज़र को तो जाहिर है हम ये बटन नहीं दिखाते, लेकिन प्रोडक्ट ऐड करने का पेज भी तो यूज़र को नहीं दिखाते ना, ये यूज़र वाला नहीं बन रहा है, ये हम बन रहा है एडमिन वाला, ठीक है। यूज़र में ना सिर्फ एक होगा, सिर्फ सी कर सकता है वो, यानी गेट कर सकता है, उसको डिलीट एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये काइंड ऑफ समझ लें आपके शॉप जिसकी बनी हुई है ना दराज पर, ये वो बन रहा है, अब ये चारों काम ये करेगा। सेलर सेंट्रल बन रहा है, सॉरी, सेलर सेंट्रल। हाँ सेलर का जो होता है ना पेज, ये वो बन रहा है किस ई कॉमर्स में। जस्ट यूज़र का बनाना होगा तो इसमें से जस्ट ये डिलीट का बटन गायब कर देंगे, यूज़र का बन गया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अब इसमें से क्या करना है, हमने हमने करनी है API कॉल, सही है। और API कॉल में हम क्या रखेंगे, डिलीट की API कॉल करेंगे, आ जाते हैं ऐसे एग्जियोस को कॉपी कर लेते हैं, सही है ना, हमने ये कॉल करनी है ना API। ट्राई कैच के साथ इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, तो इसके क्लिक पे हम डिलीट की API कॉल कर देंगे पूरी। मैंने कहा एग्जियोस डॉट डिलीट, सही है, एक्स डॉट डॉट, अच्छा इसमें मुझे और कुछ नहीं देना, मुझे बस बेस URL के साथ प्रोडक्ट और स्लैश करके यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की ID देनी है, सही है। वो मैं कैसे करूँगा, ईच प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट अंडर स्कोर ID, सही है, अंडर स्कोर ID मुझे मिल रही होती है यहाँ पे, जैसा कि हम ये थंडर क्लाइंट में हम देख चुके हैं कि जब हम प्रोडक्ट को गेट करते हैं, जब ऑल प्रोडक्ट्स को हम गेट करते हैं सेंड, तो ये मुझे अंडर स्कोर ID यहाँ पे मिल रही होती है, ठीक है। तो वही अंडर स्कोर ID दे के मैंने वापस भेजा, मैंने कहा भाई इसी को डिलीट करो, क्रेडेंशियल ट्रू मैंने इसको लगाना होगा यहाँ पे। सही है, मैंने कहा भाई अवेट एग्जियोस डॉट डिलीट बेस URL जो भी है स्लैश प्रोडक्ट की ID, ठीक है, क्रेडेंशियल ट्रू, और सही है, डिलीटेड मैंने इस वेरिएबल का नाम रख दिया। मैंने कहा भाई डिलीटेड डॉट डेटा दिखा दो यहाँ पे जो भी है, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, डिलीट करने के बाद मैं बोलूँगा कि यार आप ना, अब यहाँ पे ना हमारा एक ऐसी चीज़ हम पढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी होगी, सही है, ये ऑल प्रोडक्ट में ना दोबारा से गेट करवानी है डिलीट होने पर, सही है। तो ये ऑल प्रोडक्ट ना मुझे वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बना हुआ है एक फंक्शन के अंदर, आप देखें यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ बनी हुई है ना वो मुझे इस फंक्शन से बाहर नहीं मिलती है, ठीक है। डिलीट तो वो प्रोडक्ट हो जाएगी, लेकिन डिलीट करवाने के बाद ना, डिलीटेड के बाद मैंने ये काम करवाना है, तो ये काम मैं नहीं करवा सकता, ये बोलेगा भाई ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, सही है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा, मैं बोलूँगा लेट लोडिंग, सही है, क्योंकि जब तक वो डिलीट हो रहा है, जब तक वो लोडिंग चल रहा होगा ना, एक्चुअली जब तक वो डिलीट हो रहा है, जब तक लोडिंग हो रहा होगा, तो मैं लोडिंग को ट्रू करवाऊंगा, लोडिंग को फॉल्स करवाऊंगा मैं, सही है। और मैं इसको बोलूंगा कि भाई जब भी लोडिंग ट्रू या फॉल्स हो ना, तो आप क्या करना, इसको दोबारा चला देना, सही है। ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, अब दोबारा, पहली दफ़ा तो चलेगा पेज लोड होने पर, उसके बाद जब लोडिंग ट्रू फॉल्स होगा ना, तो फिर ये दोबारा चल जाएगा एक बार, तो प्रोडक्ट दोबारा से गेट करके ले आएगा, सही है।
आई होप कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो नीचे चलते हैं। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले ना आप क्या करोगे, सेट लोडिंग को करोगे ट्रू, सही है कि भाई लोडिंग कर रहे हैं अभी हम, सेट लोडिंग ट्रू। उसके बाद डिलीट को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद क्या करना है लास्ट में जाके यहाँ पे, और सेट लोडिंग को जो है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये सेट लोडिंग को फॉल्स कर देना है, सही है, कैच के अंदर भी और इसके अंदर भी, दोनों जगह पे, ठीक है। चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, लोडिंग को फॉल्स हमें करना होगा। तो जब लोडिंग जब चेंज होगा ना लोडिंग का स्टेटस, तो क्या होगा वो प्रोडक्ट को दोबारा से खुद ही ऐड कर लेगा, सही है। ये सब लोगों को बात समझ आई। अब मैंने रिफ्रेश किया, अब आप नोट करें जैसे ही मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा ये 501 के ऊपर, तो वो एरर आ गया डिलीट पे, 404 नॉट फाउंड। एग्जॉस्ट डॉट डिलीट बेस यूआरएल प्रोडक्ट, सही तो है यार, उसमें प्रॉब्लम क्या है, 404 क्यों आ गया। क्या कह रहा है ये 404, क्या बकवास है, नेटवर्क डिलीट की रिक्वेस्ट कह रहा बनी भी नहीं है, अभी तो बनाई है मैंने, हैं ऐसे क्यों बोल रहा है भाई। चलते हैं सर्वर पे देख लेते हैं डिलीट की रिक्वेस्ट में क्या मसला है। डिलीट की रिक्वेस्ट, अच्छा वो डिलीट के साथ मैंने स्लैश करके ना ये आईडी तो नहीं लगाई ना, और ये एडिट तक करके मैंने छोड़ा हुआ था। डिलीट की एपीआई तो मैंने तैयार ही नहीं की थी। वेल डिलीट की एपीआई सबसे आसान है। डिलीट की एपीआई आसान इस तरह से है कि जो हमने यहाँ पे किया है ना पुट के अंदर, यही काम हमें करना है, और हमें इसके अंदर ऐप डॉट डॉक्यूमेंट डॉट डिलीट लगाना होता है, सही है। मैंने कहा कि भाई प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट, सही है, और प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट को मुझे क्या देना होता है, सॉरी रिमूव है डिलीट है, हाँ रिमूव है, सही है। फिल्टर देना होता है उसको, मैंने देख लेते हैं यहाँ मोंगोस से ना, हाँ ये रहा डिलीटिंग, सही है, डिलीट वन, और उसको मैंने क्या देना होता है, फिल्टर देना होता है कि किसको डिलीट करना है। मैंने कहा भाई डिलीट वन, और फिल्टर में मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने कहा अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स हो जाए इसके, बस डिलीट मार दो उसको, ठीक है। और रिस्पॉन्स में मैंने कहा भाई डिलीटेड, सही है। सही है, इसीलिए तो ये कह रहा था बना हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पे उसको तैयार ही नहीं किया था। अब ये मेरी एपीआई तैयार हो गई है, सही है। मैंने कहा भाई आईडी यहाँ पे मिलेगी आपको प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट डिलीट वन कर देना है एक। अच्छा डिलीट वन से क्या होता है, एक ही डिलीट होता है, दो नहीं होते एक वक्त में, ठीक है। मल्टीपल डिलीट भी कर सकते हैं हम, फिर उसके लिए फिर एरे देना होता है, हमें पूरा फिल्टर बनाना होता है, प्रोडक्ट डिलीटेड प्रोडक्ट डिलीटेड सेट, ओके। अब आगे अगर हम इसको यहाँ से कॉल करते हैं, देखते हैं अब ये क्या बोलता है। अच्छा डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन से भी गायब हो गया। स्क्रीन से गायब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ये लोडिंग के ऊपर उसको दोबारा से कॉल करवा लिया था, इसलिए गायब हुआ है वो, सही है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे लोडिंग का इस्तेमाल करूं, इसके लिए अलग से भी स्टेट बनाते हैं हम ना, सही है, अलग से भी स्टेट बनाते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि भाई टॉगल रीलोड, सही है। और मैंने इसको बोला कि सेट टॉगल रीलोड, क्योंकि लोडिंग वाली अप्रोच में ना एक प्रॉब्लम है, लोडिंग वाली अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि ये यूज़ इफेक्ट चलता तो है, सही है, चल तो रहा है यहाँ पे ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक
ठीक है, तो मैंने जाहिर है पहले सेट लोडिंग को मैंने ट्रू करवाना है, तो ट्रू करवाते पे भी लोड करता है दोबारा और फॉल्स करवाने पे भी लोड करता है दोबारा, दो बार चलता है, सही है। तो मैंने अभी दो बार इसको नहीं चलवाना होता, मैं एक बार चलवाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए अलग से भी ऐसे बना सकता हूँ। टॉगल रीलोड मैंने किया, अब टॉगल रीलोड को मैंने क्या करना है, बस उसको कुछ ना कुछ चेंज करना है उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, सही है। तो मैंने जब सब कुछ ओके हो जाएगा ना, यानी डिलीटेड जब हो जाएगा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई सेट टॉगल रीलोड, और सेट टॉगल रीलोड के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई नॉट टॉगल रीलोड, कि जो भी टॉगल रीलोड के अंदर था ना उसको नॉट लगा के आप वापस सेट करवा दो, सही है। तो उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट दोबारा से क्या होगा, लोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट लिख के ऐड करता हूँ, सबमिट, ठीक है। तो देखें आप, प्रोडक्ट ये ऐड तो हो गई है लेकिन प्रोडक्ट स्क्रीन पर नज़र नहीं आई, ठीक है। दोबारा मैं क्लिक करूँ, ये इतनी सारी प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दी लेकिन वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, वो इसीलिए नज़र नहीं आ रही है कि प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद है ना, ऑन सबमिट, कि भाई ऑन सबमिट में रिस्पांस आ गया कि भाई प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, लेकिन वो यूज़ इफेक्ट तो पहली बार ही चला था सिर्फ। तो मैं यहाँ पे भी क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सेट टॉगल रीलोड और मैं उसको बोलूँगा कि नॉट टॉगल रीलोड, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसको मैं जस्ट फ्लैग की तरह ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब देखें क्या होगा कि जब मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करूँगा ना, मैंने कहा ए बी सी गिफ्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है और इसकी मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन दी और एबीसी लगा दिया यहाँ पे और कोड भी लगा दिया। सबमिट जैसे ही मैं करूँगा ना, ये स्क्रीन पे आपको नीचे नज़र आ जाएगा, क्योंकि अभी असल में नीचे की तरफ वो हुआ है ना ऐड। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं भाई, जब हम वो मैप को उल्टा चला देंगे तो वो अपोजिट की तरफ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। भाई दबे ये हमें नहीं, नई प्रोडक्ट तो नीचे की तरफ ही ऐड होती है ना, ठीक है। वैसे अगर जस्ट इन केस बता रहा हूँ, अगर आपको ये अपोजिट साइड पे ऐड करवाना हो तो फिर आप क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट गेट होता है, ये जैसे प्रोडक्ट गेट होती है ना यहाँ पे ये वाली, तो इसको आप क्या करते हैं, रिवर्स करके सेट करवाते हैं। ये जो सेट प्रोडक्ट के अंदर आप बोलते हैं भाई इसको क्या करो, पहले रिवर्स करो, आप कहते हैं डॉट रिवर्स, सही है। तो वो रिवर्स में सेट हो जाती है, दैट्स इट। देखिए अब मैं कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड करूँगा तो वो ऊपर की तरफ ऐड होगी, सही है, ये ऊपर की तरफ ऐड होगी, दैट्स इट। आपको अगर ये रिवर्स मतलब करवाना है तो आप रिवर्स करवा लें, नहीं करवाना तो दैट्स इट, दैट्स नो प्रॉब्लम, सही है। अभी मैं रिवर्स वाले को क्या, बल्कि रिवर्स वाले को खोल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि ऊपर ऐड होगा ना तो ज़्यादा सही दिखेगा अभी हमारे केस में। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ एक एक करके ना, तमाम को डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये सबको डिलीट कर दिया मैंने, टक 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 टक, सारे भाग जाओ, डिलीट हो जाओ। ये क्या सीन है भाई, डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा, वो एक ही नाम से असल में बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए लग रहा है कि वो डिलीट नहीं हो रहा, सही है। ये सारे मैंने डिलीट करवा दिए, एक को छोड़ दिया। अब मैंने इसके अंदर करना है एडिट, ठीक है। एडिट के लिए मुझे क्या करना होगा, एडिट के लिए मुझे यहाँ पे एक हिडन फॉर्म बनाना होगा जो कि शुरू में क्या होगा, छुपा हुआ होगा, और जैसे ही मैं एडिट का बटन दबाऊंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगा, एडिट का फॉर्म ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो एडिट का बटन एक मुझे चाहिए, सही है। बटन मैंने कहा एडिट, सही है। और इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, इसके ऑन क्लिक पे मैं ये करूँगा कि मैं बोलूँगा भाई एक फंक्शन चलाओ, ठीक है। अच्छा, ऊपर मुझे एक स्टेट चाहिए होगा इसके लिए कि भाई अभी एडिट कौन सा वाला हो रहा है, सही है। एडिट वाले जो प्रोडक्ट है ना उसकी मैं आईडी यहाँ पे सेव करवाऊँगा इधर, और ये शुरू में क्या होगा, शुरू में ये नल होगा, सही है, शुरू में नल होगा ये। जब भी कोई प्रोडक्ट एडिट पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी इधर आके सेव हो जाएगी। मैंने कहा भाई अब आप क्या करो, सेट टॉगल नहीं कराओ, सेट आपकी जो एडिट प्रोडक्ट आईडी है ना वो सेट करवाओ और उसके अंदर रखवाओ आप ईच प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, सही है, ये इसमें सेट करवा दो। तो इससे होगा क्या, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा ना ये आईडी उठ के उसमें चली जाएगी ऊपर। अच्छा, जब उधर आईडी चली जाएगी तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे मैंने एक अदद फॉर्म और बनाना है, सही है। एक अदद फॉर्म मैंने क्या करना है और यहाँ पे बना लेना है, और उस फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा,
उस फॉर्म में मैंने डिस्प्ले भी तो कराना है ना, ये कैसे होगा डिस्प्ले वो? अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको जस्ट मैं एडिट आईडी नहीं बनाता, इसमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट लगाता हूँ, तो उसी को ज़ाहिर है फॉर्म में मुझे पहले से लिखा हुआ दिखाना है ना कि यार ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, आईडी क्या है, तो मैं एडिट प्रोडक्ट को ना पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसमें ऐड करवाता हूँ, मैं जस्ट आईडी नहीं करवाता। सही है, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा पूरा, और वो चारों की चारों चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करवाऊँगा। सही है, मैंने कहा कि भाई अंडर स्कोर आईडी जो है ना उसकी वो ये है। ऐसे 11:45 हो गए, बस यार अब ये एडिट वाला कंप्लीट करके ना ख़त्म करते हैं। जी ओके। अच्छा हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं ना इसके अंदर, ये हैं वो चार चीज़ें। मैंने कहा भाई ये चारों की चारों उठा के इसमें डालो आप। मैंने कहा एडिट प्रोडक्ट में ना ये चारों उठा के डाल दो, और ये चारों उठा के डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई एक अदद फॉर्म मुझे चाहिए बना के, और वो फॉर्म कब नज़र आएगा, ये मेरे एक्चुअल फॉर्म के नीचे होगा, एग्जैक्ट नीचे होगा ये। यहाँ पे मैं एक और अचार बना देता हूँ। सही है, अपडेट फॉर्म इसका मैंने नाम रखा है, अपडेट फॉर्म इसका मैंने नाम रखा है, और इसमें एक अगर फिर हमारे पास फॉर्म होगा ऐसे, और ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं कंडीशनल बनाने लगा हूँ, और वो कंडीशनल मैं कैसे बनाऊँगा, एक अदर डिव में इसको रखवा के, एक डिव में इसको रखवाऊँगा मैं, और इस डिव को पूरे डिव को मैं कंडीशनल कर दूँगा। कंडीशनल में कैसे करूँगा इसको, टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए। सही है, मैंने कहा भाई अगर क्या हो कि आपका जो एडिट प्रोडक्ट जो है ना, इफ़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल के अलावा कुछ भी हो ये क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करो, आप ये कर दो, ठीक है, अदरवाइज़ नल कर दो। सही है, तो ये अपडेट फॉर्म उसी वक्त डिस्प्ले होगा जब आपके पास क्या होगा, कोई क्लिक करेगा इस एडिट के बटन के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज़ ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, एडिट के बटन पर क्लिक किया तो ही डिस्प्ले होगा ये। अच्छा, इसके अंदर जो मेरे पास इनपुट्स, मेरे पास इसके अंदर जो इनपुट होगा, सही है, वो वही चारों इनपुट होंगे जो हमारे पास यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है भाई, एक नेम के लिए होगा, एक उसके लिए होगा। अच्छा बाय द वे, आप ये पूरा फॉर्मिक वाला फॉर्म भी इसमें बना सकते हैं, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अभी जस्ट टू सेव टाइम मैं उसके लिए सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ, वैलिडेशन वगैरह वो सारी मैं करना नहीं चाह रहा अभी। अच्छा, मैंने कहा कि भाई नेम, सॉरी नेम नहीं, इसमें वैल्यू, वैल्यू इसकी क्या होगी इस वक्त, ईच प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट डॉट नेम। सही है, मैंने कहा जब भी कोई एडिट करे तो ये फॉर्म पूरा दिखेगा, उसमें नेम पहले से लिखा हुआ होगा, और ये हमारे पास चार चीज़ें होंगी इन टोटल। सही है, चार चीज़ें होंगी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कोड। नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड कोड, ठीक है, ये चार चीज़ें इसमें पहले से आ रही होंगी। अच्छा, और लास्ट में इसके क्या होगा, एक अदद बटन होगा। सही है, जो कि क्या होगा भाई, सबमिट का बटन होगा ये, टाइप सबमिट होगी इसकी। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि ऑन
सबमिट पे क्या होगा, अपडेट हैंडलर मैंने यहाँ पे लगा दिया, सही है, ऑन सबमिट पे अपडेट हैंडलर लगा दिया मैंने, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा ये बना हुआ नहीं है ना फंक्शन, अभी बना लेते हैं अभी। सही है, मैंने कहा अपडेट हैंडलर इसको बना लीजिए, अपडेट हैंडलर को सही है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ताकि जो है क्या हो वो पेज रिफ्रेश ना हो इसकी वजह से। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एग्जियोस की एक रिक्वेस्ट मारो यहाँ से, कौन सी रिक्वेस्ट मारो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे से रिक्वेस्ट, जस्ट टू सेव सम टाइम। ये ट्राई कैच के साथ पूरे को कॉपी करते हैं उसको। मैंने कहा भाई ये आप अपडेट की रिक्वेस्ट पूरी बना के ना इसको दम करके मार दो। मैंने कहा पुट, ये कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर में, सेट लोडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। ट्राई ट्राई, और यह ट्राई ख़त्म हुआ और ये ख़त्म हुआ यहाँ। ओके ये अवेट इसलिए एरर दे रहा है, ये फंक्शन एसिंक यहाँ नहीं लगा हुआ, सही है, अपसेट हो गया, यही मसला था। मैंने कहा डॉट पुट होगा, बेस यूआरएल होगा, प्रोडक्ट होगा स्लैश प्रोडक्ट की आईडी। अच्छा ये प्रोडक्ट की आईडी अब इस तरह नहीं होगी, ये कैसे होगी, अपडेट क्या नाम रखा था मैंने इसका ऊपर, एडिट प्रोडक्ट नाम रखा था मैंने कहा, एडिट प्रोडक्ट में जो भी आईडी है ना वो आईडी आपने रख के भेजनी है यहाँ पे, सही है। साथ में इसकी बॉडी भी होगी, सही है, बॉडी को मैं कैसे भेजूँगा भला, ऐसे भेजूँगा मैं बॉडी को, सही है, ये बॉडी है इसका, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा बॉडी में मुझे वही चारों चीज़ें भेजनी है, कौन कौन सी चारों चीज़ें भेजनी है मुझे जो मैंने यहाँ से सेट करवाई है, ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ से भेजनी है, सही है। मैंने कहा भाई ये चारों चीज़ें आप भेज दो, सही है, और इसी इसी नाम से भेजो जिस नाम से ये है। क्या किया मैंने, ये गड़बड़ की कोई, और फाइल चेंज कर दी मैंने, सही है। मैंने कहा भाई ये चारों चीज़ें भेज दो जो भी बंदे ने लिखी है। और अच्छा अब इसमें एक काम ये भी मुझे करना है, नहीं सही है, चलो चारों ही भेज देते हैं फ़िलहाल। मैंने कहा ये प्रोडक्ट की आईडी होगी और ये इसका सारा डेटा होगा, उसके बाद ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीटेड नहीं अपडेटेड होगा अब इसमें ये, क्योंकि ये तो अपडेट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सही है, अपडेटेड, अपडेटेड होगा तो स्क्रीन पे उसको कंसोल पे प्रिंट करवा दिया जाए, और जब ये अपडेटेड प्रॉपर हो जाए ना तो उसके बाद टॉगल रीलोड करवा दिया जाए। और क्या करवाया जाए, ये एडिट का फॉर्म भी ज़ाहिर है गायब भी करवाना है मुझे, तो मैंने कहा भाई ये सेट एडिट प्रोडक्ट करके ना इसको नल करवा दिया जाए दोबारा, ताकि वो फॉर्म गायब हो जाए सामने से, सही है, इसको करवा दिया जाए नल, सही है, ताकि वो फॉर्म जो हमने डिस्प्ले करवाया था वो भी गायब हो जाए। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने पे देखें अभी ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये मेरी प्रोडक्ट है जिसको मैंने एडिट करना है, नाम है इसका ये इसकी प्राइस है, एडिट का बटन दबाया पहले से लिखा हुआ आ गया, मैंने कहा भाई ये है वो, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, ओके 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 गॉट इट, ये रिमूव इस वजह से नहीं हो रहा है कि मैंने इस फॉर्म पे जो है ऑन चेंज को हैंडल नहीं किया हुआ, कि जब इसको चेंज किया जाए तो हो क्या, ठीक है, तो ये मैंने चेंज भी इसका क्या करना है, हैंडल करना है। मैंने कहा कि यार सब जगह एक ही बनेगा, ऑन चेंज, ऑन चेंज, मैंने कहा भाई इवेंट होगा, सही है, मैंने कहा भाई सेट एडिट
प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट और साथ में क्या कर दिया जाए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा जब सेट प्रोडक्ट कॉल हो ना तो ये कर देना आप। अब इसको ये इवेंट क्यों नहीं मिल रहा, सही तो किया मैंने। सेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके, यहाँ पे मैंने वो नहीं दिया इसको। ये भी तो बताना है ना कि क्या चीज़ में जाके सेट हो, ये मैंने बताना है कि क्या चीज़ में जाके सेट होना है इसको। सही है, ऐसे करके बताना होता है कि नेम इक्वल्स टू जाके ये सेट हो जाए, बाकी चीज़ें वही रहें। ये सारा कोड सर ऐप जीएस की फाइल में नहीं आएगा जो आपने इंडेक्स जीएस में लिखा है? नहीं, ये तो मैंने असल में प्रोडक्ट के पेज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं इस वक्त, ये मैं प्रोडक्ट के पेज में खड़ा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट की इंडेक्स डॉट जीएस है। सही है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। इसको मैंने एडिट का बटन प्रेस किया, ये समाम का तमाम कोड यहाँ लिखा हुआ गया। मैंने कहा ये क्या है, फुटबॉल है और इसकी प्राइस है 320 और इसकी डिस्क्रिप्शन है नो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोड इसका जो है वो 22214 है और प्रोसीड अपडेट किया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया, मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। अब मैं कोई और भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करता हूँ और सबमिट का बटन दबाता हूँ और इसको अब मैं एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इसका गलत हो गया था, नेम है इसका कैट बॉल और प्रोसीड एड। ठीक है, तो ये नेम इसका चेंज हो गया। तो हमारे पास इस पॉइंट पर आके ये क्रेड ऑपरेशन जो था ये कंप्लीट हो गया। इसमें स्टाइलिंग मैंने नहीं की है टाइम शॉर्ट होने की वजह से, आप लोगों को स्टाइलिंग करनी है इसकी और ऐसे करके करनी है जैसे यहाँ पे हुई हुई है स्टाइलिंग। ठीक है, इमेजेस फ़िलहाल के लिए स्टैटिक लगा दीजिएगा, इमेज अपलोड अभी तक हमने कवर नहीं किया है इस कोर्स में। और यहाँ पे ऐसे करके आपका आ रहा होगा पूरा विजिट, ये नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ सब लोग आप बना लीजिएगा। अगर आप बनाएंगे तभी आपको आगे का कोड समझ आएगा, वरना आपके लिए काफ़ी दुश्वारी होगी। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग मैंने इस वजह से नहीं लगाई कि मेरे पास टाइम इस वक्त बहुत ही शॉर्ट है। तो मैं प्रोडक्ट में गया, वापस प्रोडक्ट में आया, डिस्प्ले हो गया, सही है, सब कुछ ओके है, सब कुछ वर्किंग है। और मैंने कहा कि यार क्लास कोड और इसको मैंने पुश कर दिया, ये कोड आपका पुश हो चुका है। ठीक है जी, और हमारे पास इसको बंद कर दिया मैंने। सही है, फिर मुलाकात रहेगी आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाइयों, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। चलो यार, अल्लाह हाफिज़।